बच्चों, अब आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे अनअकैडमी ऐप पर भी। अनअकैडमी ऐप जो है वो इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। आप सिंपली उसको प्ले स्टोर में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड करें। उसके बाद आपको हमारे कोर्स जो होंगे पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th के, आपको वहां पर अनअकैडमी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और बच्चों, आपको हर एक वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखने हैं हमें, और उसके बाद आप वहां पर रेट जरूर दें और हर वीडियो का एंड तक देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा अनअकैडमी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारी प्रोफाइल डायरेक्ट देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 26। आप देखेंगे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का वर्णन करो, और इसी के ऑप्शन में ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, इसके परिणाम आप क्या परिणाम सामने आए। देखो, दोनों ही क्वेश्चन सेम चैप्टर से है। सेकेंड बुक का 8th चैप्टर हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला चैप्टर, उसमें से आप देखेंगे तो वहाँ से है। पहले मैं आपको बता देता हूँ आनंदपुर साहिब के बारे में, ये जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है इसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद में हम डिस्कस कर देंगे यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो बच्चों, हुआ क्या था, ये बात है 1970 के दशक की बात है। तो यहाँ पे 1973 में क्या हुआ था कि पंजाब में ना स्वायत्तता की मांग चल रही थी। 1970 के दशक से ही बात चल रही थी वैसे तो 1973 में स्वायत्तता की मांग जो चल रही थी, उसी के तहत आनंदपुर साहिब में एक जगह है पंजाब में। इस जगह पे क्या हुआ, लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने एक सम्मेलन किया और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे थे, सम्मेलन किया और यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी प्रस्ताव को हम आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहते हैं। तो यह आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो था, इसमें क्या था, इसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात थी। यानी कि स्वायत्तता का मतलब होता है कुछ विशेष अधिकार, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। ये आप क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां मैंने डिटेल में बताया, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसे समझो। 1973 में आनंदपुर में लोग इकट्ठे हुए और एक सम्मेलन हुआ जिसको आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा जाता है। यहाँ पे क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी पंजाब में कुछ क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई, ठीक है। इसी प्रस्ताव में फिर केंद्र और राज्य के संबंधों को पुनर्भाषित करने की बात चली थी। यहीं पे सिख लोगों की कौम पर बात चली थी। और बच्चों, यहीं से एक समस्या सामने आती है। इन्होंने तो मांग ठीक करी, लेकिन यहाँ पे एक समस्या जो सामने आती है, वहाँ पे ये था कि यहाँ पे ना ऐसा माना जाता है कि इस सम्मेलन में खालिस्तान की मांग की गई थी। खालिस्तान एक जगह का नाम है, यानी कहा गया था कि पंजाब में एक खालिस्तान नाम का अलग देश बना दिया जाए, यानी कुछ जगह जो है उसको अलग देश बना दिया जाए, यानी भारत से अलग कर दिया जाए। देश की अखंडता जो है इसको खतरे की बात चल रही है। बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना इसे, ठीक है। इसको अलग करने की बात चली थी, तो ये ऐसी मांग कही गई थी कि आनंदपुर साहिब में ये मांग भी चली है। तो आप चैप्टर में देखें, वहां पे मैंने आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और आगे, और अब बात करेंगे हम अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। ऑपरेशन ब्लू स्टार बता देता हूँ आपको। आपको पता होगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से कहीं ना कहीं हम बात कर लेंगे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की। बच्चों, क्या हुआ था कि अमृतसर में, आपको पता है स्वर्ण मंदिर कितना ज़्यादा फेमस है। स्वर्ण मंदिर को क्या हुआ था, जो स्वर्ण मंदिर जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, ठीक है, गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे ना कुछ उग्रवादियों ने इस पे कब्जा कर लिया था गोल्डन टेम्पल पे, और वहाँ पे अपने हथियारबंद जो सिपाही थे उनको खड़ा कर दिया था, उसको किले में तब्दील कर लिया था। तो फिर सरकार ने क्या करा, उस गोल्डन टेम्पल को उन आतंकवादियों से, उन उग्रवादियों से छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था, उसके तहत उसको छुड़ाया गया। और लेकिन पता है क्या हुआ, जो दोनों तरफ से लड़ाई चली, इधर से सरकार और दूसरी तरफ से ये जो सरकार की जो सेना थी वो, दूसरी तरफ से उग्रवादी, और इनके बीच में लड़ाई झगड़े में क्या हो गया, गोल्डन टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा। और गोल्डन टेम्पल को जब नुकसान पहुंचा तो जो सिख लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए। उनको लगा कि उनकी जो धार्मिक भावना है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको पता है कि हमारे देश में धार्मिक भावना कितना बड़ा मुद्दा है। कोई भी बात हो जाए तो धार्मिक भावना जरूर भड़कती है, जरा सी कोई बात हो जाए। हालांकि ये जो था, ये गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको उग्रवादियों से बचाने के लिए हुआ है। लेकिन अब आपको पता है, लड़ाई झगड़ा होगा तो नुकसान तो पहुंचेगा ही। तो यहीं पे बात हुई कि भाई उसको नुकसान पहुंचा, तो सिख लोग जो थे उन्होंने ये कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को के साथ, मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत किया गया है। इसी को लेकर सिख जो थे उनके मन में गुस्सा पनपा इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के जो दो
बॉडीगार्ड थे, इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड बना दिए मैंने, ये दो बॉडीगार्ड मान लो इंदिरा गांधी के, ये सिख थे, सिख थे सरदार थे, इनको भी गुस्सा था इस बात का कि गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाया है, और इसी का बदला लेने के लिए इन दोनों बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी, ठीक है, उनकी हत्या कर दी। तो आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार समझ में आ गया होगा, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के क्या परिणाम सामने आए आपको ये भी समझ में आ गया। इसके परिणाम सामने यह है कि नुकसान पहुंचा मंदिर को, लोगों ने उसको गलत अपनी धार्मिक भावना से जोड़कर देखा, और उसके बाद फिर क्या क्या कहानी हुई आप अच्छे से जानते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वीडियो लंबा होने वाला है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्रिवी पर्स जो है, प्रिवी पर्स का मतलब होता है बच्चों कि जो राजाओं को जो विशेष अधिकार दिए गए थे। ये जो राजा कौन थे, ये वो राजा थे जो रजवाड़ों के राजा थे, रजवाड़े के, रजवाड़े जो राजा थे इनको प्रिवी पर्स के तहत विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसमें कुछ पैसा मिलता था इनको, पैसा फंड और जो सुविधाएं होती थी वो चीजें मिलती थी, इसी को प्रिवी पर्स कहते हैं, विशेष अधिकार। इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त किया था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। हरित क्रांति बहुत इजी टॉपिक है, सकारात्मक प्रभाव आप कर लेंगे। ताशकंद समझौता आपको पता है, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का, उसके ठीक एक साल बाद 1966 में, 1966 में सोवियत संघ में जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उधर से अयूब खान, जो इनके बीच में एक समझौता करवाया गया, और समझौता जो करवाया गया था बच्चों उसी समझौते के दौरान ही ताशकंद जो है, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आपको पता हो तो शायद, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसी समय पे क्या हुआ था बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनकी मौत हो गई थी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की इसी टाइम पे मौत हो गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालो। जम्मू कश्मीर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, चित्र, आप इसे ध्यान से देखना, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और मैं यहाँ पे अच्छे से बना भी नहीं पाऊंगा। तो ये जो बच्चों ये हमारा हिस्सा है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और आपको पता है भारत के लिए एक विवादित हिस्सा है ये। रीजन क्या है इसके पीछे, इधर है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो किसका है, पाकिस्तान का है। और यहाँ पे जो भारत में विलय था, इसकी कहानी ये थी कि जम्मू कश्मीर में ये राजा का शासन था जिनका नाम था राजा हरी सिंह। हरी सिंह जो थे, पाकिस्तान ने क्या करा, अपना समझता था उसे, कहता था भाई पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान ने हरी सिंह पे दबाव बनाया और जबरन पाकिस्तान में शामिल करने को कहा। तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई भारत का जो पक्ष था वो नरम था, भारत उसे नरमी से अपने में शामिल करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान था वो बंदूक के दम पे उसे शामिल करना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था वहां मुस्लिम ज्यादा है तो ऐसे में क्या होगा वो उनका साथ देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, इस पे दबाव बनाया गया राजा पे पाकिस्तान के जरिए, तो भाई ये नहीं माने, तो इन्होंने भारत से क्या मांगी, भारत से मदद मांगी। भारत ने इसको मदद को तैयारी, भारत को ने कह दिया कि हम तेरी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ विलय करना पड़ेगा, हम तुम्हें कुछ स्वायत्तता दे देंगे। आर्टिकल 370 आप जानते हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इसका अलग संविधान है, ठीक है, इसका कुछ रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हमारे संविधान से अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसका विलय कर लिया गया इसमें, और फिर इसको विशेष अधिकार दिया गया, ये पूरी कहानी थी। चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बताया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक आंदोलन बताना है आपने, ताड़ी ताड़ी विरोधी आंदोलन, जिसको ऐसे कहा गया था ताड़ी की बिक्री बंद करो, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था ये महिला सशक्तिकरण वाला आंदोलन था, सॉरी। तो आप इसे देख सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक कोर्स, इस वेबसाइट है www.vidyakul.com, इस वेबसाइट पे भी आप विजिट करें, मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप मुझे आप एनरोल कर लें, ताकि वहां पे मैंने एक चैप्टर बनाया है आप देख सकें। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत जरूर आई थी, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, फिलहाल मैं बिजी हूं, पर आपको वहां से हमारी वीडियो दिख जाएगी। आने वाले टाइम पे हम यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त कोर्स लेके आने वाले हैं 12th क्लास के लिए, और उस कोर्स को देखने के बाद आपको 90 से 100 वाले बीच में पहुंचाएंगे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप इसको भी एनरोल करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से तैयारी करें। बस मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करवाऊँ आपकी, ताकि आपको फायदा हो। श्वेत क्रांति क्या है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो जिसने इसकी शुरुआत करी। तो वर्गीज कुरियन कहा जाता है उनको, वर्गीज कुरियन, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन, यानी दूध से, दूध उत्पादन से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये सारी जो है मैंने आपको थर्ड चैप्टर, देखो आप वीडियो में, वहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है।
और देख लेते हैं, क्वेश्चन है 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के उदय के विकास पर एक टिप्पणी करो। इसके लिए आप चैप्टर 9th देख लो बच्चों, मैंने वहां पे बता रखा है आपको, मैं आपको अब नहीं बता रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चन। दलित पैंथर्स एक संगठन था जिसमें दलित युवाओं ने अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में विरोध किया था। इसकी गतिविधि ये थी कि जहाँ पे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको उजागर करते थे, दलितों की मदद के लिए काम करते थे। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ये कहा था कि संविधान में कानून तो बन गए हैं लेकिन इस कानून का पालन नहीं होता, इनके साथ आज भी भेदभाव होता है। तो ये सारी चीजें आई थी। 31वां क्वेश्चन देखो, भारत और सोवियत संघ के संबंध बताने हैं। बिल्कुल ईजी है, आपको पता है ना, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक संबंध, इस तरीके से आप बता सकते हो। पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, एक्सप्लेन आप कर देना। वर्चस्व क्या होता है आप जानते हैं, वर्चस्व के प्रकार, आर्थिक वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व, सैन्य वर्चस्व, ये सारे वर्चस्व होते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी चैप्टर की वीडियो देखो। अभी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर तो बहुत बड़ा है भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा, कश्मीर अभी बताया था मैंने कि पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर उसका है, इसी को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता है। अच्छा, खत्म होने वाला है अब बच्चों, आगे के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। कोई अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप क्या करना, हमारी जो चैप्टर की वीडियो आप वहां से देखना, आपको वहां पे मिल जाएगा सॉल्यूशन। क्योंकि बच्चों मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाया हूँ आपके लिए। आज भी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं आपको एग्जाम के बाद फ्री हो जाऊंगा जब, फिर आपको आगे की सारी चीजें करवाऊंगा। तो कोई बच्चा मुझे बेवजह डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, चैप्टर वीडियो देख ले, वहां से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ ये सारे मैंने क्वेश्चन बता रखे अपनी वीडियो में चैप्टर में, तो आप वहां से हेल्प लें। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, बड़ी ही मुश्किल से ये सारी चीजें ढूंढी जाती है और आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। और आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, कमेंट में आपको ये कुछ क्वेश्चन के मैंने आंसर पूछे आपको वो बताने हैं, और आपको ये बताना है पेपर कैसा है, इजी टफ, जो भी आपको लेवल लगे। आप अनअकैडमी में फॉलो जरूर करें, विद्याकुल में एनरोल जरूर करें, ताकि आपको सारी जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें बनाऊंगा आपको सभी फायदे मिल सके। यूट्यूब पे भी हम कंटिन्यू हैं, हर तरफ से जहाँ से भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।